एक मैं मुस्लिम भाइयों से इल्तिजा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो कोरोना वायरस की वजह से COVID-19 की वजह से जो इस समय जो संक्रमण फैल रहा है उसकी वजह से एक पूरे देश भर में और हमारे स्टेट में पैनिकी की सिचुएशन बनी हुई है। हम सभी को जिम्मेदार नागरिक, इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा हम सब का ये फ़र्ज बनता है कि हमें अगर हम पिछले कुछ समय में कहीं बाहर गए हों तो हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जहाँ जहाँ हम गए हों वो हमने सरकार के साथ साझा करनी है। स्थानीय जो प्रशासन है, पुलिस है या हेल्थ विभाग है उसके साथ हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन जो जानकारी है साझा करनी है और हमें उनको बताना है इस चीज़ को, इसको हमें छुपाना नहीं है। आज देश में जो जितनी भी जो गाइडलाइंस डायरेक्शन गवर्नमेंट दे रही है, सरकार दे रही है, राज्य सरकार दे रही है, उसको हमें हर चीज़ को फॉलो करना है। वो हम सब की हेल्थ के लिए, हमारे परिवार की हेल्थ के लिए और जो हमारा समाज है, आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए है। नमाज घर पर ही पढ़े और मेरा आप सबसे इल्तिजा रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मस्जिद में ना जाएं और घर पर ही अपना नमाज पढ़ने का कार्य करें। इसके अलावा अगर कोई भी, अगर जैसे आप सभी कहीं किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आए हो जो मरकज़ या फिर जमात में ऐसे गए हों, तो आप अपनी कहीं ना कहीं किसी बस में या कैसे भी कॉन्टेक्ट में आए हो तो आप उस चीज़ को जाकर साझा करें जानकारी। और ये आप घबराइए नहीं, आप सबकी हेल्थ के लिए है, आपके अच्छे उसके लिए है, भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, छोटे छोटे घर में बच्चे हैं उनका हम सबको ध्यान रखना है। मैं आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि सब एकजुट होकर देश में जो ये महामारी चली हुई है, प्रॉब्लम चली हुई है, उससे सामना करना है और सरकार की बताए हुए जो दिशा निर्देश है उसका हमें पालन करना है। हमारे प्रदेश हिमाचल प्रदेश में ऐसा जनरल पब्लिक को मैसेज जा रहा है कि जो लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं या कुछ लोग जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं और अपना जो दिल्ली में गए हैं तबलीगी जमात में उसके बारे में वो रिवील नहीं कर रहे हैं, लोगों को बता नहीं रहे हैं, प्रशासन को, पुलिस को सामने आकर के बता नहीं रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये मुस्लिम भाई से ये कहना चाहूंगा कि इसमें डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है और छुपाने की बात नहीं है। आपने कोई ऐसा डेलिब्रेट या क्रिमिनल आप जान करके कोई ऐसा एक्ट आप नहीं कर रहे हैं। ये आप एक धार्मिक एक प्रोग्राम में गए थे, वहां से ये बीमारी फैली है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सामने आए और ऐसे बताएं, क्योंकि आप भी इस कोरोना वायरस के कैरियर हो सकते हैं। और अगर जो आप नहीं बताएंगे तो क्या होगा कि आपके फैमिली मेंबर्स को ये बीमारी पकड़ेगा, आपके जो नेबर्स को पकड़ेगा और ये पूरे समाज या पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में फैलेगा और आप इसके वजह बनेंगे। तो एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक होने के वजह कर यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आए और बताएं। पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की ये पूरी कोशिश है, बार बार आपको अप्रोच किया जा रहा है और ऐसा देखने में आ रहा है कि आप प्रोएक्टिव नहीं है, आप आ नहीं रहे हैं। आपको डरने घबराने की बात नहीं है, लेकिन अब जान करके अगर नहीं आते हैं तब आपका ये कंडक्ट जो है, ये हरकत जो है, ये क्रिमिनल होगा और आपके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, मैं ये आपको बहुत जिम्मेदारी से ये कहना चाहूंगा कि मुसलमान भाई कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे ऐसा मैसेज जाए कि एक मुसलमान हो करके और जो है से ये ऐसा कर रहे हैं। जो एक हम मुसलमान हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो रूल है, जो कानून है, उसको हम फॉलो करें, उसको माने, एक अच्छा नागरिक बनने का हम एक एग्जाम्पल दें दूसरों के लिए और जो है से इससे समाज में मैसेज जाए। अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे कि जो मुसलमान है, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके वजह कर ऐसा हो रहा है, ऐसा जा रहा है मैसेज। तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने फैमिली का और अपने धर्म का भी नुकसान कर रहे हैं। कोई कुरान शरीफ में ये कहा गया है कि कोई आदमी अगर जो एक इनोसेंट आदमी का, बेकसूर आदमी की जिंदगी बचाता है तो वो इतना बड़ा काम करता है कि जैसे कि पूरी इंसानियत की जिंदगी को बचाया है। तो अगर आप बताएंगे नहीं तो आप एक ऐसे मौत का कारण बनेंगे और एक इनोसेंट आदमी का आप जो है लाइफ लेंगे, तो ये बड़ी ही गलत और क्रिमिनल एक्ट होगी। तो मेरा आपसे अपील है, और आप घबराए नहीं, पूरे सरकार आपके साथ है, सारे जो है डिपार्टमेंट है ऐसे अलग अलग आपके साथ हैं। आप बताएंगे तो आपको कोई भी इसका नुकसान नहीं ऐसे भुगतना होगा। और क्वारंटाइन कोई जो है जहां आपको रखा जाएगा अलग करके, कोई पनिशमेंट का जगह नहीं है,
ऐसा नहीं है कि आप जो है वहां पर जाकर के आपको पीटा जाएगा या बंद करके रखा जाएगा या खाना नहीं दिया जाएगा, आपको 10 दिन 14 दिन 15 दिन वहां रखा जाएगा, देखा जाएगा कि बीमारी आपसे जो है से आप में है तो या नहीं, या फिर जो है से आपसे आगे फैलने का जो खतरा होगा उसको वहां पर तोड़ दिया जाएगा और वो जो है आप ही तक रहेगा या आप में भी नहीं रहेगा और आप फिर ठीक ठाक वापस आ सकते हैं। तो आपसे अपील है कि आप कृपया आए और जो है से इस तरह का जो फैला हुआ है जो इम्प्रेशन, इसको आप अपने काम से अपने हरकत से जिम्मेदार हरकत से इसको दूर करें, ऐसे मिसकंसेप्शन को। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आज पूरी दुनिया ही नहीं हमारा देश, हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, बल्कि पूरा जो हमारा एक इंसानियत है वो एक बीमारी से जूझ रही है। ये बीमारी नहीं, ये एक परेशानी है, ये एक वबा है, ये एक ऐसी चीज है जिससे निजात पाने के लिए हम सबको एक साथ मिलके इससे लड़ना है। पूरी की पूरी मानवता को, पूरे के पूरे धर्म को, हर आदमी को इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इससे लड़ना इतना जरूरी है जितना कि हमको आज सांस लेना या खाना खाना या पानी पीना है। हम अपने आप को अगर आगे बढ़कर जो लोग तबलीगी जमात में या जो लोग गए थे मरकज में या जो लोग जिनके साथ कांटेक्ट में आए हैं वो प्लीज बाहर आए, सामने आए, अपने आप को डिक्लेयर करें बिना किसी परेशानी, बिना किसी तकलीफ के। सारा प्रशासन, सब पुलिस, सब डॉक्टर्स, सब क्वारंटाइन की जगह उन्हीं की हिफाजत के लिए है। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम हमारे तरफ से होगा और हम अगर ऐसा करते हुए रहे तो जैसे हमारा जो दीन है वो ये कहता है कुरान शरीफ और उसके बाद अहदीस, सिर्फ इसी की रोशनी में हम हर चीज को मानते हैं। तो अगर मैं कुरान शरीफ का ही जिक्र करता चलूं तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी आयत में कि उस चीज से बचो जिसमें जो है आपकी जान को खतरा है और उस चीज को मानो जिस चीज को आपके नबी ने कहा। तो हमारे जो नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बड़े ही क्लियरली, उनसे जब पूछा गया बीमारी के सिलसिले में तो उन्होंने कहा कि जिस जगह से बीमारी फैलती है उस जगह को बंद कर दो, ना वहां से कोई बाहर आए और ना वहां कोई अंदर जाए। इसका मतलब क्या है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको करना बहुत जरूरी है, जो चेन है उस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है और अपने आप को बचाना। अगर हम खुद को बचाएंगे तो अपने आप को नहीं बचाएंगे, हम अपने घर वालों को बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे, अपने माँ बाप को बचाएंगे और पूरी की पूरी जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा माशरा है, उसको हम बचाएंगे और उसको सेफ रखेंगे। इसको अगर हम ऐसा करेंगे तो सही और सही तौर पे हम एक सच्चे और एक सही इंसान जो है उसको बनने में हम कामयाब होंगे, एक सच्चा मुसलमान बनने में कामयाब होंगे। आपसे फिर अपील है, प्लीज जो लोग अभी भी छुपे हुए हैं किसी भी वजह से, वो ना डरे, ना परेशान हो, ना भयभीत हो, बाहर निकलें और अपने आप को पुलिस और प्रशासन के सामने खुल जाके बताएं कि इस तरह का मामला है। प्लीज कोऑपरेट करें, आप कोऑपरेट करेंगे तो सब कोऑपरेट करेंगे।